इब्राहिम की आशीष आप पर निर्भर करती है। आप महानता के भागीदार हैं। आपके पास प्रतिष्ठा की भरमार अति कृपा और शोहरत होगी जैसे उनके पास थी यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं हूं अनु। आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गुड न्यूज़ डेली डिवोशनल से है, जो कि मेरे आत्मिक माता पिता प्रॉफिट यू बड़े एंजल और प्रॉफिटिस बेबे एंजल की तरफ से प्रकाशित है। आइए आज के दिन के वचन को हम पढ़ते हैं। दिन गुरुवार 20 दिसंबर, और इसका शीर्षक है अब्राहमिक आशीर्वाद तुम्हारा है, यानी कि अब्राहम की आशीष तुम्हारी है। नए नियम से पढ़ेंगे गलातियां उसकी 3:14 को। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यीशु मसीह हमें उस व्यक्ति से जोड़ने के लिए आएगा जो सदियों से पहले जीवित था। अब्राहम सभी चीजों में धन था, गाय बैल चांदी और सोने में धनवान था। यीशु हमें इन सब आशीषों से जोड़ने के लिए आई। यह अब्राहम का आशीष है जो तुम्हारा भी है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उसको मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुमको कोसे उसको मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:2-3 आयत को आप पढ़ सकते हैं। अब्राहम की आशीष आप पर निर्भर करती है। आप महानता के भागीदार हैं। आपके पास प्रतिष्ठा की भरमार अति कृपा और शोहरत होगी जैसे उनके पास थी यीशु के नाम में। भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे, आप मुझसे सुन सकते हैं और मेरे पीछे रिपीट भी कर सकते हैं। मैं अब्राहम का बीज हूँ, महानता मेरे DNA में है। मैं अति कृपा को आकर्षित करता हूँ। मैं धन्य हूँ और मैं एक आशीष हूँ। हालेलुया। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति पुराने नियम से 17:6 आयत को, और अभी मुझसे सुन भी सकते हैं। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। सबको जय मसीह की। Silence every fear.